हाय लोग, CS रैंक सीजन 24 आ चुका है और हमेशा की तरह हर सीजन में रैंक पुश करना और भी ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस पता चलेंगी जिसके बाद आप भी ग्रैंड मास्टर इजिली पुश कर सकोगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छा सा कमेंट लिखना है और बेस्ट कमेंट को एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। तो अब चलते हैं सीधा फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि है क्लॉक टावर। क्लॉक टावर का ये ब्लैक हाउस तो सबका फेवरेट होगा, लेकिन इस हाउस के अंदर नहीं, बाहर एक हिडन प्लेस होने वाली है। कभी अगर आपको एक या दो प्लेयर चेस करें तो आपको इस तरह से स्प्रिंट करके टॉप पे आना है और रूफ के इस कॉर्नर से इस तरह से जंप करना है और एनालॉग बटन से डायरेक्शन कंट्रोल करने के बाद आप आ जाओगे इस बॉर्डर पे, जिसके बाद आपको वेट करना है और जैसे ही प्लेयर नीचे जंप करके क्रॉस करे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। वही सेकेंड है ब्लैक हाउस साइड विंडो। आपको सेम लोकेशन पे आना है और इस तरह से विंडो पे जंप करना है, फिर इस लोकेशन से सरप्राइज नॉक निकाल सकोगे। सेकेंड लोकेशन है फैक्ट्री। राउंड स्टार्ट होते ही आपको स्कोप वाली गन लेकर इस येलो क्रेन पे आ जाना है, फिर इस तरह से दो ग्लू वॉल लगाना है और बॉर्डर के ऊपर आकर इस क्रेन पे आ जाना है और फिर स्प्रिंट करके इस लोकेशन पे क्राउच करना है और जैसे ही कोई प्लेयर स्पॉट हो आप इजिली उसको हेडशॉट मार सकोगे, क्योंकि आपके पास हाइट एडवांटेज होगा जिससे 80% टाइम्स हेडशॉट ही लगता है। फिर सेम क्रेन आपको थर्ड लोकेशन पे भी मिलेगी, जो है मार्स इलेक्ट्रिक में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सारे ओपोनेंट्स दूसरी साइड से आ रहे हो, जिससे वो आपको क्लाइम करते हुए ना स्पॉट कर सके, वरना आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। फिर जैसे ही कोई प्लेयर स्पॉट हो उसको डैमेज एंड एलिमिनेट कर सकते हो। फोर्थ लोकेशन है हैंगर। राउंड इस साइड से स्टार्ट हो तो सीधे आ जाना है ये स्टेयर्स पे और यहाँ से सामने जंप करना है, उसके बाद क्राउच करके इस तरह से पोजीशन लेना है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उस रूफ टॉप पे प्लेयर्स कवर में होते हैं, लेकिन इस एंगल से आप उनको कवर में भी नॉक कर सकते हो, तो है ना कमाल की लोकेशन। एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। फिफ्थ लोकेशन है पोचिनॉक। राउंड स्टार्ट होते ही आपको ये वुडन हाउस के पास आना है और एक ग्लू वॉल को लगाना है, फिर ये बॉक्सेस पे आकर ग्लू वॉल पे जंप करना है और वुडन हाउस के टॉप पे आना है। लेकिन आपके पास स्नाइपर या स्कोप वाली गन होनी चाहिए, वरना इतनी मेहनत बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई। पोचिनॉक की सेकेंड लोकेशन है स्नाइपर्स के लिए। राउंड अगर इस साइड से स्टार्ट हो तो आपको तीन ग्लू वॉल इस तरह से लगाना है, फिर सीमेंटेड हाउस के ऊपर जाकर ऊपर आना है और यहाँ से आप क्लियरली आ रहे प्लेयर्स को स्पॉट करके उनकी लोकेशन टीम से शेयर कर सकते हो या डैमेज देकर नॉक भी कर सकते हो। वैसे इस सीमेंटेड हाउस पे आप टायर से भी आ सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इससे लोकेशन रिवील हो जाएगी। सिक्स्थ लोकेशन है केप टाउन। राउंड अगर इस साइड से स्टार्ट हो तो आपको एक ग्लू वॉल इस तरह से लगाना है, फिर ब्लू हाउस के ऊपर आकर इस वॉल पे जंप करना है और फिर आ जाओगे इस रूफ टॉप पे। और यहाँ आने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको येलो हाउस के ऊपर कैम्प कर रहे प्लेयर्स का व्यू मिलेगा। ऑल्सो कोई प्लेयर रोटेट करेगा तो इजिली उसको भी नॉक कर सकते हो। केप टाउन की सेकेंड लोकेशन पे आने के लिए आपको किसी टीममेट की जरूरत नहीं है, बस आपको ग्रीन बॉक्स के कॉर्नर पे साइड जंप करना है। अगर नॉर्मल जंप करोगे तो इस बॉक्स के ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। बॉक्स के ऊपर आने के बाद सिंपली वॉल पे जंप करो और फिर रूफ टॉप पे। सेवेंथ लोकेशन है रिमनाम विलेज। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, लेकिन उस पे क्लाइम करने के लिए आपको टीममेट की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ एक ट्रिक का यूज करके आप सोलो क्लाइम कर सकते हो। सिंपली आपको इस बॉक्स के पास आना है और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जंप करना है, जिससे इस बॉक्स के कॉर्नर पे लैंड हो जाओगे और यहाँ से आ रहे प्लेयर्स को सरप्राइज नॉक कर सकोगे। रिम नाम की सेकेंड लोकेशन है स्लोप एंगल। राउंड अगर इस साइड से स्टार्ट हो तो स्प्रिंट करके आ जाना है इस जगह पे और क्राउच करके ग्लिच फायर ट्रिक का यूज करना है, जिससे आप प्लेयर्स पे एम कर सको लेकिन वो आपको देख भी नहीं पाएंगे। एट्थ लोकेशन है पीक। हम लोग यहाँ पे दो लोकेशन देखेंगे। फर्स्ट है ये बॉक्सेस। इस बॉक्स के ऊपर आप विदाउट टीममेट आ सकते हो। इस पे आने के लिए आपको ये बॉक्सेस के बीच में जंप करना है और एक दो बार जंप करने से आप इजिली इसके ऊपर आ सकते हो। सेकेंड लोकेशन है मेज टॉप। अगर राउंड इस साइड से स्टार्ट हो तो स्प्रिंट करके या तत्सुया की रेबल रश एबिलिटी का यूज करके आ जाना है इस जगह पे और प्रोन करके इस एंगल पे एम करना है। इस तरह से प्रोन करने पे आप प्लेयर्स पे एम कर सकते हो, लेकिन उनका एम आपके ऊपर नहीं आएगा।
नाइन्थ लोकेशन है न्यूरिक डैम। राउंड स्टार्ट होते ही आपको जल्दी से आना है इस बॉर्डर के पास और जंप करके स्कोप ओपन करना है। फिर एनालॉग बटन को राइट करके आ जाना है लोअर बॉर्डर पे। फिर यहाँ से आप हाइड हो सकते हो और जैसे प्लेयर्स पुश करें उसको सरप्राइज डैमेज एंड एलिमिनेट कर सकते हो। टेंथ लोकेशन है मिल। राउंड अगर इस साइड से स्टार्ट हो तो इस तरह से दो ग्लू वॉल लगाना है। फिर इस कार रैकेज के ऊपर आकर सेकेंड वॉल पे क्लाइंब करना है। फिर क्राउच करके वेट करना है किसी प्लेयर को स्पॉट करने का, और जैसे ही प्लेयर स्पॉट हो उसको डैमेज दे सकते हो। लास्ट लोकेशन है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का ये रूम ऐसा है जहां से आप सामने खड़े प्लेयर्स को इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, वो भी बिना अपनी पोजीशन को रिवील करे। बस इस जगह पे आपको पोजीशन लेना है और इस विंडो से स्कोप ओपन करके डैमेज एंड एलिमिनेट कर सकते हो। तो और भी हिडन प्लेसेस आपको अपकमिंग वीडियो में मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट करना मत भूलना। हो सकता है आप ही वो लकी विनर बन जाओ जिसको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज एरो AK साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू फैमिली इन नेक्स्ट।